मैं हूँ सूरज, इस कहानी का मेन कैरेक्टर। तो मेरी कहानी शुरू होता है 2002 से, एक भंड साल से, जहाँ पर मैं एक आम भंड लड़का जो अपने अंड भंड काल्पनिक ख्यालों तो में भटकता रहता है, इस जैसे को अपने गांव में कहते हैं भटकती आत्मा। बच्चे बचपन में अक्सर कार्टून देखा करते थे, लेकिन मेरी कस्मत थोड़ा सा अलग है, या थोड़े से ज्यादा अलग है, या कुछ ज्यादा ही अलग है। कुछ लोग नशा अडिक्ट होते हैं, या कुछ लोग मतलब कुछ सामाजिक लोग 2 रुपए का सलीम बीड़ी का अडिक्ट होते हैं, लेकिन मैं, मेरे केस में थोड़ा से ज्यादा अलग है। मैं कार्टून का अडिक्ट था। मैं कार्टून देखता नहीं था, मैं कार्टून का नशा करता था, दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर दिन तक बस कार्टून और कार्टून। बात करें घर वालों की, वो कुछ कहते नहीं, कि मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं जो भी करूँ ना वो प्यार दिखाते हैं। क्या लोड़ो बच्चा पैदा किया है? मैं ज्यादातर टाइम डोरेमोन, पावर रेंजर्स, बाकुगान, शिनचैन, बेब्लेड, सामुराई जैक, बहुत बहुत सारा टीन टाइटन्स, अब बहुत सारा कार्टून है। पर्सनली मुझे पावर रेंजर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो पावर रेंजर्स था ना, मैं इतना ही पावर रेंजर्स में अडिक्ट हो गया था कि धुम मचाले फ़ोन होता था ना, उसे से मैं अपना मॉफर बना के ऐसे ऐसे यू 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 करके पावर रेंजर्स में ट्रांसफ़र हो गया। एसपीडी एमरजेंसी, वाका वाका वाका। स्पाइडरमैन देखे मैं अपना मतलब अपने आप को किसी मकड़े से कटवाने की कोशिश करता, लेकिन जब भी कटवाना जाता अपना गांड फट जाता, कभी कटवाया नहीं। बाय चांस एक मकड़े ने मुझे काट भी लिया था, लेकिन जब काटा था तो इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, इतना बड़ा फोड़ा हो गया था, मुंह सूज गया था और आंखें बाहर निकल गया था। एक टाइम मैंने सोचा कि हाथ से जाला निकल गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके गांड से झाग निकल रहा है। जब डॉक्टर ने कहा ये बच्चा स्पाइडर से इफेक्टेड है, तब मैंने नहीं माना, मैंने बस सोचा कि मेरे पास पावर है, स्पाइडर का पावर, मैं नेक्स्ट स्पाइडरमैन बनूंगा, इसलिए यहाँ वहाँ चिपकते फिरता था और मैं स्पाइडरमैन बनने की ट्रेनिंग जारी रखता। बनूंगा मैं भारतीय स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। मैं डोरेमोन देखता और सोचता कि काश मैं अगर डोरेमोन का वर्ल्ड में होता तो सबसे पहला मेरा काम होता कि जियान के जाकर गांड तोड़ता। सबसे पहला काम यही होता कि जियान के जाकर गांड तोड़ता और मैं नोबिता को बचा लेता, नोबिता सुजुका मिल जाती और उसे उन लोगों को भगा देता और सुनियो का मैं अपना दोस्त बना लेता, क्योंकि हाई कॉन्टैक्ट रखना था ना, सुनियो के पास बहुत पैसा है और मैं उसे दोस्त बना के ऐशी ऐश करता और डोरेमोन की जाके पॉकेट ले लेता और नोबिता की मम्मी को लेके भाग जाता। रही डोरेमोन की बात, वो डिस्प्रेशन में चला जाता। तो ये है एक भंड लड़के की कहानी जो मैं, तो और भी बहुत सारे स्टोरी आएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतने। नया स्टोरी मेरे स्कूल का लेकर, मैं स्कूल में क्या करता था, एक भंड बच्चा क्या कर सकता है स्कूल, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जो जो है वो कंप्लीट करके सो जाइए। चलिए बाय।